नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास। विकसित भारत के सपने को साकार करने को लेकर संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की मुहिम में साइन कोलिवाड़ा विधानसभा के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन की उपस्थिति में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जो गौरतलब करने वाली बात है। पार्टी में आने वाले सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उनका अभिनंदन कर प्रवेश आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन व भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता, लोरिक यादव, बिंदु यादव, सुनीता शर्मा, ममता पांडे, आरती निजापकर, मालती मोरे, पूर्व नगर सेविका कृष्णा बेनी रेड्डी, संतोष पांडे, सुनील धारिया, ओम प्रकाश पांडे, राधेश्याम वर्मा, दलपत सिंह आदि की उपस्थिति में पक्ष प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था का ज्वार भाटा लोगों में फटता हुआ दिखाई दिया। भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और हजारों की संख्या में लोगों ने पक्ष मित्रों, खासकर मोदी जी ने ध्यान रखा है तो सबसे पहले हमारी माता बहनों महिलाओं का। उन्होंने उज्ज्वला योजना, फ्री आसन, गैस सिलेंडर में 100 रुपया कटौती और उज्ज्वला योजना वाले के लिए सब्सिडी 1 साल के लिए बना दी। अगर ये कोई कार्य कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। दूसरा, मातृशक्ति योजना, मातृशक्ति योजना, मातृवंदन योजना, जिस महिला को पहला डिलीवरी के टाइम अपना नाम जाके अस्पताल में दर्ज करती है, उनके 3 महीने के बाद होने के बाद महिलाओं को पहला किस्त 3000। जिस तरीके से जनता की सेवा की जो भावना है हमारे आमदार की, वो किसी और में मुझे दिखाई नहीं देती दोस्तों। उसके लिए उदाहरण देता हूँ, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, पैसे नहीं थे। यहाँ पर देखो, विद्यालंकार से शुरुआत होगी, भाजी गली होते हुए अमर होटल होते हुए यहाँ पर काफी एक अच्छा सा सीसी रोड का निर्माण किया गया है। हमारे आमदार जी ने इस काम में काफी परिश्रम किया है और एक अच्छा रोड बना के दिया है। हमारे आमदार जी ने यहाँ पर, आपको पता है, संगम नगर में सिक्कलवाड़ी ने आपके यहाँ जितने एरिया है यहाँ पर कम से कम 400 से ऊपर ही पानी का कनेक्शन दिया गया है। अगर मैं योजनाओं को गिनाने की बात करूं तो जल थल नल ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां माननीय मोदी जी ने हम सबको कार्य करने के लिए प्रेरणा न दी हो और क्षेत्र में काम न किया हो। रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, भगवान राम का मंदिर हो, धारा 370 हटाना हो, सीए लाना हो, ये सब किया है। और किसके लिए किया है? ये मोदी जी ने अपने लिए नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं किया है, ये देश की जनता के लिए किया है। और मैं समझता हूँ आप लोग सब समझते हैं कि मोदी जी कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम सबके लिए कर रहे हैं। कि मोदी जी मैंने भगवान नहीं देखा, मैं सत्य वचन आपसे कहता हूँ, मेरे जीवन में शायद किसी ने भगवान नहीं देखा होगा, लेकिन जब मोदी जी की तरफ नजर जाएगी तो साक्षात भगवान का स्वरूप नजर आएगा। वास्तव में मोदी जी की तस्वीर एक भगवान की नजर आएगी, जिसने अगर चलने का साथ, जिसको ने सहारा नहीं था सहारा दिया, जिसके घर में अन्न नहीं था अन्न दिया, घर नहीं था घर दिया, जिसको पढ़ने की सुविधा नहीं थी पढ़ने को दिया, जिसको इलाज की व्यवस्था नहीं थी 5 लाख रुपए का कार्ड बनाकर दिया। तो मैं समझता हूँ ऐसे भगवान को हम भूल नहीं सकते। बारे में आपको जानकारी दिए और मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि देश में जो सबसे लाभकारी योजना थी अन्न योजना, गरीब कल्याण योजना, जब देश में कोरोना का समय था
लोगों के खाने के वांदे थे, लोगों को काम धंधे बंद पड़े थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस समय फिर आसन शुरू किया और जो अभी तक चल रहा है और आने देने वाले 5 साल तक चलने का हमने वादा किया है, तो एक जो उसका लाभ देश की 80 करोड़ जनता ले रही है, तो मैं चाहूंगा इस योजना का किसी को लाभ नहीं मिल रहा है तो हमारे आमदार जी उसके लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। पीछे भी शुरू होने वाला है मेट्रो 4, आईमैक्स सिनेमा से इस तरफ ताना जा सकता है, आईमैक्स सिनेमा से इस तरफ पीटी जा सकता है, मेट्रो 4 2 महीने 3 महीने में इलेक्शन के बाद शुरू कर रहा है, ये अपना सरकार का काम है। तो क्या करके दिखा है? कोई काम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, कभी रेशन दिया? कोई भी गरीब आदमी, आम जनता बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाके आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख का इंश्योरेंस देने का काम सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। साइन पोलिवारा में कम से कम 15,000 से 20,000 आयुष्मान कार्ड में फ्री में बना के दिया है। इसका पहले संतोष गुप्ता ने विषय उल्लेख किया है, सेवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का अंदर आने वाला व्यक्ति कितना है, इससे 4 गुना 5 गुना कई कारण से आया है, कई आया ही नहीं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये आवाज सत्य रहेंगे, सेवा सत्य रहेंगे, शोर करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाला, खाली इलेक्शन का माध्यम है, ताई माई अक्का बोल की 5 साल मुंडी नहीं दिखाता है, इनको खत्म करने के लिए ये सभा है। ये जनता पार्टी का काम है, आपका काम है, मेरा काम है, जनता का पैसा, जनता के मजबूत के साथ काम करो, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अढ़ाई साल सरकार ने वो काम किया था, पहले कोविड चला, कोविड से कोई नेता बाहर नहीं निकला, हॉस्पिटल में भर्ती करो, एम्बुलेंस पकड़ो, कोविड सील वैक्सीन आने के बाद कोवैक्सीन, ये करो, ये सम्मानीय प्रधानमंत्री साहब, सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस साहब का काम लगातार होते रहता था। सेवा करने वाला को आरज करेंगे, ये सरकार को उठा की भेंट दिया है, हमसे काय सरकार, कोई भी उद्धव जी का सेना वाला का पास, नेता का पास, कार्यकर्ता का पास जाओ, आप लोग बोलो मेरा पॉकेट में कितना पैसा देने वाला, तभी काम करेंगे, नहीं तो कुछ काम नहीं करेगा। हमसा का एक सरकार निकल गया, सेवा वाला सरकार आपके सामने सेवा कर रहा है, ये सेवा बंद नहीं होगा, सरकार भी बंद नहीं होगा, सेवा भी बंद होगा नहीं। अभी आपका आमदार का पास फाइल आया मेरे पास, 1 रोड बनाने का अंदर 300 परिवार नहीं, 300 से 1500 परिवार नहीं, 15,000 परिवार को पानी देने का काम हम लोग किया, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, कोई ब्रोकर के पास जाने का जरूरी नहीं। अभी भी मेरा ऑफिस खुला है, अभी भी खुला है, 5 आदमी का रेशन कार्ड का जरेक्स, आधार कार्ड का जरेक्स, वोटिंग कार्ड का जरेक्स, फ्री में पानी, हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ा नहीं, ऑनलाइन करेंगे, प्लम्बर का पैसा देंगे, रोड कटिंग का पैसा देंगे, उसके पास 7,800 रुपया जनता पड़ता है, बाकी एक एक लाइन का 5 आदमी का 20,000 से 25,000 आपका आमदार नहीं बढ़ता है पैसा, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ब्रोकर को खत्म करने का काम सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखाया। ये उद्धव जी का सेना कोई काम करने का लायक नहीं, कांग्रेस काम करने का लायक नहीं है, काम करना कैसा है भारतीय जनता पार्टी एमएलए, भारतीय जनता पार्टी पत्रकार का बात सीखता है, 25 साल का बात सीखता है, 30 साल का बात सीखता है। मुंबई महानगर पालिका का पैसा पहले जाता था बांद्रा में, अभी मुंबई महानगर पालिका का पैसा रोड का माध्यम से, पानी का माध्यम से, करबंडी का माध्यम से, टेलरिंग का माध्यम से गरीब जनता का काम कर रहा है, सम्मानीय मुख्यमंत्री, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री। मुंबई महानगर पालिका का इतना सेवा पहले किधर गया था? 25 साल मुंबई महानगर पालिका, 30 साल मुंबई महानगर पालिका चल रहा था, कभी कौन सा सेवा देता, कौन सा रोड देता, कौन सा लाइट देता? मुंबई का श्रम ऐसा का ऐसा ही है। एवी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त।
विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।